देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात से ही बारिश हो रही है। दिल्ली में इस साल भले ही मानसून ने देर से दस्तक दी हो, लेकिन बारिश ने पिछले 18 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में इस मानसून सीजन में अब तक 1005.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये 2010 के बाद से पहली बार है जब दिल्ली में बारिश ने मानसून में 1000 मिलीमीटर का आंकड़ा पार किया हो। इससे पहले 1 सितंबर को दिल्ली में 19 साल बाद एक दिन में ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ ही भारी बारिश जारी रहेगी। इससे पहले मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया था। यही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे पहुंच गया है। दिल्ली में बारिश का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे लबालब पानी से भर गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। पूरे एयरपोर्ट पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ साथ फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मोदी नगर, हापुड़, बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्रों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने के साथ ही मध्यम से भारी बारिश की भी संभावना जताई है। जबकि दिल्ली NCR और UP के अलावा आज यानी कि 11 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। दरअसल मौसम परिस्थितियों में हो रहे बदलाव और हिंद महासागर में 2 मौसमी परिस्थितियों के सक्रिय होने का असर सिर्फ दिल्ली पर नहीं बल्कि उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी 10 दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगस्त महीने में 24% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि ये 12 वर्षों में न्यूनतम है। देश में कमजोर मानसून के 2 बड़े सप्ताह 9 से 16 अगस्त और 23 से 27 अगस्त साबित हुए हैं। देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और इससे जुड़े प्रायद्वीप और पश्चिमी तट में वर्षा की स्थिति कमजोर रही है। जून महीने में 10% अधिक वर्षा हुई, लेकिन जुलाई और अगस्त में क्रमशः 7% और 24% कम वर्षा दर्ज की गई। मध्यम भारत में 39% कम वर्षा हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत कई क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। अगर झारखंड के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आज शाम के बाद राजधानी रांची समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों के मौसम में बदलाव आएगा। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इसके अगले 24 घंटे में और गहरा होने की संभावना है, जिसका असर 11 सितंबर की शाम से झारखंड के विभिन्न जिलों में देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य के दक्षिणी जिले पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।